हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ। आई मीन कोई स्पॉन्सर या ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसका रिव्यू, मैं इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, मुझे इसके यूज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। मैं बायोटिक हर्ब कलर के नाम से ये कलर है, ये एक डाई फॉर्म में कलर होता है, जैसे कि आपके वाइट वाल हैं तो उनको कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंड ये जो मैंने ये कलर लिया है, ये डार्केस्ट ब्राउन है, 3N इसका नंबर है, जो डार्केस्ट ब्राउन है। बायोटिक हर्ब कलर ये तीन फॉर्म में आता है, एक ब्लैक, एक ब्राउन एंड एक डार्केस्ट ब्राउन में आता है। तो ये है डार्केस्ट ब्राउन कलर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है एंड इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करके भी बताऊँगी कि इसका कलर कैसा आया है एंड ये किस तरह से रहा है। इसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है, इसको इस्तेमाल करने से आप उसे पूरी तरह से ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर इसकी कीमत की बात करूँ मैं, कितना प्राइस है, तो इसका जो प्राइस है वो 150 के ऊपर डला हुआ है, बट ये आपको 210 रुपये में मिल जाएगा ऑनलाइन। मैंने इसको ऑफलाइन परचेज़ किया है, वैसे तो मैं हर चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, बट मैंने इसे ऑफलाइन परचेज़ इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंसी में ज़रूरत थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ऑनलाइन आने के लिए काफ़ी टाइम लगता। तो ये मुझे 230 का पड़ा मुझे ऑफलाइन, एंड ऑनलाइन ये 210 रुपये में अवेलेबल था अमेजोन पे। आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अमोनिया नहीं है ऐसा इस पर दावा किया गया है, ऐसा लिखा हुआ है, एंड अमोनिया फ्री है, हर्बल कलर ही है, बाकी कलर के अकॉर्डिंग केमिकल उतने नहीं होंगे। सो 100% ग्रे कवर करेगा ये विद 9 ऑर्गेनिक हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, इसके ऊपर लिखा हुआ 50 मिनट्स ईजी एप्लीकेशन, 50 मिनट में ये कलर दे देगा। मैं इसे 20 to 25 मिनट तक अप्लाई करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स इसके ऊपर लिखा हुआ, इतने में ये कलर दे देगा। लास्ट अप टू 26 शैम्पूज इसके ऊपर लिखा है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आप 26 टाइम शैम्पू कर सकते हैं, उसके बाद तक आपका कलर, मतलब उतने तक आपका कलर रहेगा, 26 टाइम आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ इसकी सेफ्टी वगैरह लिखी है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको इससे अपने आई से दूर रखना है, बहुत से लोग अपने आईब्रो को एंड आई लेसेस को कलर करने की कोशिश करते हैं, तो उस ऐसी कोई भी चीज़ आप ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें एंड आंखों से बिल्कुल दूर रखें, ऐसा कुछ गलती से चला जाता है तो तुरंत उसे वॉश कर दीजिए, बल्कि आप दूर ही रखें। इससे आपको ब्लाइंडनेस जैसा भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये कलर्स हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको सावधानी रखनी है। एंड हाँ, इस्तेमाल करने से पहले एक पेज टेस्ट जरूर कर लीजिए, ऐसा हर प्रोडक्ट के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, जो स्किन टाइप पर डिपेंड करती हैं, किसी का सेंसिटिव स्किन ज़्यादा है, किसी का कैसा स्किन है, तो उसकी वजह से वो रिएक्शन कर जाता है या फिर सही सूट नहीं करता है, एंड थोड़ी ज़्यादा खुजली होने लगती है, थोड़ा ज़्यादा जलन होने लगती है, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है अगर ये ज़्यादा सूट नहीं करता। तो आप पेज टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, उसके लिए आप अपने कोहनी पर या आप अपने कान के पीछे वाले हिस्से पर थोड़ा सा उसको बनाने के बाद, मिक्स करने के बाद अप्लाई कर लीजिए। एंड मतलब इस कलर को अपने बालों में इस्तेमाल करने के 48 आवर पहले आप इस तरह से ट्राई कर लीजिए। देन इसके इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर निकली हुई हैं। ये देखिए, ये डेवलपर है, बायोटिक हर्ब कलर क्रीम डेवलपर, 60 ml है ये, एंड ये क्रीम होगी, कलर क्रीम, इस पर प्योर क्रीम कलर कलरेंट, ओके, प्योर क्रीम कलरेंट, तो ये कलर क्रीम है, स्किन पर साफ रखा है, नो अमोनिया, 50 ग्राम है इसके अंदर। एंड इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, देन अप्लाई करने, एंड ये इसमें कंडीशनर इसके साथ ही आता है, कलर को वॉश करने के बाद, शैम्पू से वॉश करने के बाद इसी कंडीशनर से आप करें। एंड शैम्पू है, ये भी इसके साथ ही है, शैम्पू और कंडीशनर दोनों साथ में है, इसी को कलर करने के बाद आपको इसी से वॉश करना है, ओके। एंड इसको बनाना कैसे है, इसको आपको बराबर क्वांटिटी में लेना है एंड अप्लाई करना है। अब हम देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं एंड इसे अप्लाई करके भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसका रिजल्ट आया है। सो इस कलर को बनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप डेवलपर, इसमें दो तरह की चीज़ें, एक डेवलपर है, एक कलर है, तो ये डेवलपर है जो मैं डालूँगी, आप थोड़ा सा डेवलपर ले लीजिए, जितना भी आपको अप्लाई करना है आपके बालों में हो जाएगा उतना ही आपने, एंड उतना ही आपको क्रीम कलर लेना है, दोनों बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए, एंड उसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एंड फिर कम पड़ जाएगा तो बाद में आप दोबारा भी बना सकते हैं, तो आप उतना ही उतना बना लीजिए जितना आपके बालों में लगे, या फिर आपको पता होना चाहिए कितना आपके बालों में हो जाएगा। अब मैं इसे अप्लाई करूँगी, अप्लाई करने से पहले जिस भी दिन आप अप्लाई करें आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें शैम्पू से, आपके बाल में ऑयल नहीं होना चाहिए, ओके, तो अच्छे से वॉश है हेयर। तो हम मैंने अप्लाई करने के लिए बालों को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इनके आगे से बाल कितने वाइट हैं, तो मुझे इनके टचिंग, समझ लीजिए आपको टचिंग की तरह ही करना है, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है मुझे,
तो मैंने बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने फोर पार्ट में भी, फिर टू पार्ट में से मैंने फोर पार्ट में भी डिवाइड किया। जैसे भी सुटेबल है वैसे ही आप कर लीजिए। और इस तरह से कलर आपको अप्लाई करना है। मैं थोड़ा ग्लव्स पहनना भूल गई, इसी साथ ग्लव्स भी आए थे तो अब मैं ग्लव्स पहन लूँगी, मैं बीच में भूल गई थी, और मैं डायरेक्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप जो साथ में ग्लव्स हैं उन्हें पहन लीजिए। बट गाइज इसके साथ में ब्रश नहीं आई थी, पता नहीं क्यों, मैंने काफ़ी चीज़ों इसी प्रोडक्ट के साथ ब्रश देखी है पर मैंने ये ऑफलाइन लिया, पता नहीं मुझे ब्रश नहीं मिली, वो निकाल लेती हैं या फिर आती नहीं है क्या, तो मैं कन्फर्म नहीं है, ब्रश नहीं आई थी। तो ये मैंने घर की जो ब्रश थी अप्लाई करते थे उसी से मैं कर रही थी। मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं इनके साथ जो ग्लव्स आए थे मैंने वो ग्लव्स पहन ली, तो आप ग्लव्स पहन लीजिए जिससे आपके ब्लैक हाथ में कलर नहीं आएगा एंड केमिकल्स भी होती हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी कलर चढ़ जाता है इसका। तो इस तरह से मैं एक एक तरह से कंगीकॉम की हेल्प से मैं कर रही हूँ, इसे मैं लगाती जा रही हूँ एंड उन बालों को निकालती चली जा रही हूँ दूसरी साइड कॉम की हेल्प से। तो इसी तरह से मैंने पूरे बालों में आप देख रहे हैं कलर अप्लाई कर लिया है। इस तरह से इनकी आगे से ही बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं, वैसे पूरे बाल वाइट नहीं है, ओनली टचिंग करना होता है तो उतने ही होते हैं। एंड अब बाल वॉश कर लिए हैं 30 मिनट बाद, आफ्टर 30 मिनट आप बालों को वॉश कर सकते हैं। तो बालों को वॉश करने के बाद ड्राई करने के आप देख रहे हैं, देखिए आप किस तरह का कलर आया। तो बहुत ही बढ़िया कलर आया इनका, जो रूट्स में था वो बहुत अच्छा कलर आया था एंड बिल्कुल नेचुरल कलर लग रहा है, ये डार्केस्ट ब्राउन कलर था। तो इस तरह से इसका रिज़ल्ट आया और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप पहले टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, कहीं आपको सूट करता हो नहीं करता हो, हर किसी पे अलग अलग होता है। सो गाइस आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।